कभी मीठा लगता है कि ठीक हुआ, जिंदगी की धारा को दूसरी तरफ मोड़ने का मौका मिल रहा है, पढ़ने का मौका मिल रहा है, समझने का मौका मिल रहा है, दुनिया में घूमने का मौका मिल रहा है। फिर कभी खटास भी आती है, जय जयकारों की उस नांद के बीच में अलग खड़ा अपने आप को पाता हूं। पर मैं ये बात कह सकता हूं कि इतने वर्षों से आपके बीच में आते रहे जाते रहे, एक तालुकात परिवार के सदस्य के तालुकात के रूप में बनते चले गए, पीड़ा में, तकलीफ में, दुख में। और मुझे वो समय भी याद है जब कोरोना की कैद टूटी थी, डॉक्टर गोरी को हम रोज याद करते थे। उस जोखिम में बहुत से लोग हमसे बिछुड़ गए। डॉक्टर गोरी को टेलीफोन करके सिर्फ एक बात वो कहते थे, एक भाई साहब से बात करा दो, डॉक्टर गोरी मुझे ढूंढते। मैं डॉक्टर को कहता क्या बात है, तो मेरे को उत्तर मिलता धनराज जी की तबीयत गिरती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है, एक बार 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 कहते हैं आपसे बात करा दो, आप बात करके हौसला बढ़ाओ। ये प्रसंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पदों के साथ नहीं जुड़ते, जो आत्मीयता के साथ जुड़ते हैं। मैं मेरी पराजय के बाद